आम आदमी पार्टी जिला पठानकोट की ओर से हल्का भुआ में आम आदमी पार्टी के नव नियुक्त वॉलंटियर का आज जिला अध्यक्ष गुरदयाल सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुके भेंट करके जिला पठानकोट में पहुंचने पर समूह टीम की ओर से स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि हल्का भुआ से जुझारू नेता लालचंद कटारूचक के आम आदमी पार्टी में जाने से हल्के के चुनावी समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। लालचंद ने पिछले विधानसभा चुनावों में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी की ओर से भुआ से चुनाव लड़ा था और 13,500 के करीब वोट हासिल किए थे। इसीलिए लालचंद के आम आदमी पार्टी में जाने से इस बार भुआ विधानसभा में तिकोनीय मुकाबला होने की संभावना है। लालचंद कटारूचक के आम आदमी पार्टी में जाने से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह पाया जा रहा है। उनका कहना है कि साफ छवि वाले लालचंद के पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं लालचंद कटारूचक ने कहा कि वह पिछले 34 सालों से आम लोगों की आवाज को बुलंद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखो जी, इस वेले वर्तमान साडे देश की राजनीतिक अवस्था विचे पंजाब की कह लो, देश के अंदर दो ही कंबीनेशन जोड़े है इस वेले ज़्यादा सूबे के राज भाग काबज ने, कांग्रेस की है और बीजेपी की, NDA कह लो या UPA कह लो। एक दिल्ली की सरकार है जी नवेकली किस्म का काम कर रही है केजरीवाल साहब की अगुवाई, चाहे वह हैल्थ का सिस्टम है उत्थे, चाहे एजुकेशन का सिस्टम है, तो ओवरऑल जिहड़े उन्हां दी स्ट्रैटेजी है जो दिल्ली के अंदर वर्क कर रही है सरकार, उन्हें काफ़ी चंगे मैसेज देश के लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को, अगाहवंद लोगों को दिए। सो इस अवस्था के अंदर पंजाब दे विच जदों असीं मतलब वड़दे हाँ निगाह मारदे हाँ तो पंजाब के अंदर दो परिवार तीन परिवार जिहड़े अंडरस्टैंडिंग दे नाल राज भाग के बार बार जिहड़े आ वो आते हैं और जिन्हां दे राज दे अंदर पंजाब दे लोगों को किवें लुटिया किवें कुटिया ये पिछले 15-20 सालों तो बड़ा उभर के सामने आया, चाहे वह 10 साल अकालिया का राज है, किवें अकालिया के राज पंजाब के लोगों की दुर्दशा की है और 3.5 वर्षों का राज होना अमरिंदर सिंह का, ये दोनों राज एक ही फ्रेमवर्क काम कर रहे हैं। सो इस करके इनू तोड़न की लड़ है तो पंजाब के अंदर जी आप उदय है इस वेले वो घर घर चर्चा आ, तो मैं महसूस करता भी जो आप के स्लोगन भी है, मैं चंडीगढ़ भी गया कि वो कंपैरेटिवली उस धारा ना जुड़े जिस धारा से मैं काम किया 34 साल। सो इस करके चाहे पंजाब के अंदर एजुकेशन का सवाल है, माइनिंग का सवाल है, माफिया राज टोटल कह लो तुसी, उस राज तो लोग परेशान ने, लोगों दिया अपेक्षावान उल्ट पंजाब की कांग्रेस सरकार काम कर रही है। सो कोई अंतर नहीं अकाली बीजेपी राज और पंजाब की कांग्रेस सरकार के राज, और इस अंतर नूं पंजाब दे लोग भी समझ रहे हैं। सो मैं भी यह महसूस किया भी इस वेले जिहड़ा है वो आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प है पंजाब दे लोगों लई, इस भावना नाल मैं इहदे सिरकत कीती है और मैं अज खास करके अपने दिल दीआं गहराइआं मेरे वड्डे वीर भी ने साडे जिले के प्रधान ने पठानकोट के सरदार गुरदयाल सिंह सैणी जी और मेरे बहुत सत्कारयोग नरेंद्र कुमार एडवोकेट जी जिहड़े साडे हल्का इंचार्ज ने, अमरजीत सिंह जी जिहड़े मेरे वैसे भी बड़े निक्के मित्र ने ते पिछली बार इन्हां चोण भी लड़ी है तो आप वालों, सौरव बैल जी मतलब जिन्हां ने पठानकोट के अंदर काम पाया होया, विनोद कुमार जी जिहड़े अक्सर असी एजुकेशन च रहे हैं वो भी गिल जी है जिहड़े साडे इस इलाके दे आ, शिव कुमार है, ठाकुर मनोहर सिंह है, जां होर सारे मतलब जोगेश्वर जी है नोट मेरे तो, मैं हुण कोई ना ना मेरे को इदां दा रह जावे, मैं इन्हां सारिआं दा ही अपने दिल दी हकराइयां नूं धन्नवाद करदा और इस गेंद दवाना इन्हां नूं कि असी आप पठानकोट के लोगों के मनां च लै के जाणा, एक दूजे के कंधे ना कंधा मिला के, क्योंकि चुनौती बहुत वड्डी है, ना असी गुस्सफहमी का शिकार है तो ना असी कोई मतलब निराश है इस वेले चढ़ती कला च है भी असी पंजाब दे वांग पठानकोट जिले के अंदर भी आप मजबूत करना और खास करके जिहड़ा इत्थे माइनिंग का इशू है पठानकोट के अंदर, साडा जिला जिदा एक पासे हिमाचल का चक्की दरिया ना घिरिया बार्डर है, जम्मू कश्मीर का JNK का ये संवेदनशील जिला भी है और माइनिंग जी उन्हें साड़ी तबाही करती है, कला साडा पानी नहीं थले जा रहा, साड़ी इकोनमी भी लुट रहे, साडा वातावरण तबाह हो रहा और लोग बड़े तरह तरह कर रहे हैं, पूरे सवाल ने पंजाब के वर्णन सवाल बाकी है ही है सारा कुछ इस माहौल में और चंगी गल ये है भी मतलब लोग एप्रीशिएट कर रहे हैं, काफ़ी फोन आते हैं पिंड बड़े प्रोमीनेंट लोगों के ऑर्गनाइजेशन के भी और असं उन्होंने सारियां अपील करते हैं तो इस बार तगड़े होकर आप पार्टी को जिताओ, इतने कोई टिकटों का सवाल नहीं है,
ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਆ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।